आजमीन हज के फ्री मेडिकल कैंप के मौके पर गैलेक्सी हॉस्पिटल में हमारे बीच डॉक्टर नुसरत फरीद साहब माहिर सर्जन मौजूद हैं। हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि इस मौके पर कुछ हम बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गैलेक्सी हॉस्पिटल को जिसने हमको यहाँ बुलाया और मेरे को कुछ बोलने के लिए कहा। हाजियों के लिए कैंप कर रहे हैं, जो हाजी हज करने के लिए हैदराबाद से जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया। मैं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आके पेशेंट्स को देखा और यहाँ पर अभी शुरुआत में 25 पेशेंट्स थे, एक के बाद एक देखे। इसमें एक हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मरीज था और एक मरीज था शुगर का और एक मरीज था थायराइड डिजीज़ का। तो मैं ये बोला उन लोगों को कि वहाँ पर अगर मरीज को शुगर से कमज़ोरी हो के वीकनेस हुई, अंधेरा छाए गए, तो इमीडिएटली हम लोग कुछ दवा दिए उन लोगों को। यहाँ से गैलेक्सी हॉस्पिटल से थोड़े दवा बी कॉम्प्लेक्स दिए, शुगर के गोलियाँ दिए, BP के गोलियाँ दिए और उन लोगों को ऐसा कमज़ोरी महसूस हुई। तो पहली चीज़ ये करना चाहिए कि जेब में कुछ शक्कर रखना चाहिए यानी चॉकलेट रखना चाहिए, खा लेना। और गैलेक्सी हॉस्पिटल से ये लिख के दिए हम कि दिस पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यानी तो ये पेशेंट हाइपरटेंशन BP से। तो डॉक्टर्स को वहाँ पर हर एक फरलांग में डॉक्टर्स रहते, आसानी होती क्योंकि ज़्यादातर लोग हाइपोग्लाइसीमिया से मरते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से नहीं मरते हैं क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं, हज इट्सेल्फ स्ट्रेस, इबादत में रहते तो कभी गोलियाँ लेने भूल जाते हैं, कभी इंजेक्शन इंसुलिन लेना भूल जाते हैं, तो ये स्ट्रेस में लोग मर जाते हैं। तो गैलेक्सी हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग एक कार्ड दे रहे, उसमें ये मरीज़ शुगर का है, ये मरीज हाइपरटेंशन का है। तो जैसा उन हॉस्पिटल को जाएंगे वो देखेंगे, देख के उन लोगों को फौरन इलाज स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि 25% डेक्सट्रोज देना पड़ता या 5% डेक्सट्रोज देके हाजियों को सेव कर सकते। उसके अलावा गैलेक्सी के हॉस्पिटल के तरफ से हम लोग थोड़े बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं पेशेंट्स को और थोड़े बुखार आता वहाँ पर वो दे रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता क्योंकि ज़्यादा लोग सांस लेते हैं वहाँ पर, एक छोटी जगह में ज़्यादा लोग एक खैमा में सांस लेते हैं, तो उसके वास्ते हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा वो और ये कैंप को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस मौके से एक सवाल ये है कि आज़मीन हज को क्या एहतियाती तदाबीर वहाँ पर अख्तियार करना चाहिए, इस बारे में भी कुछ आप ज़रूर जो है मैसेज दें। हाजी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सफाई। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं तो वजू तो कर लेते हैं, साफ अगर हो सका वहाँ पर अगर पानी मिला तो रोज़ पानी नहा के साफ रहना अच्छा है। और ख़ास तौर पे डायबिटिक के मरीज़ पैरों की बहुत हिफाजत करना है क्योंकि चलते चलते कभी कभी धक्का लगता है, मार पड़ता है तो खून निकलता है, वहाँ से इन्फेक्शन फैलता है। एक बार मैं वहाँ हज करके वापस आ रहा था, एक औरत को पूरा पैर के ऊपर खून हो गया था, प्लेन के ऊपर हम लोग मैनेज करे उसको। उसके बाद में नेक्स्ट एयरपोर्ट पाकिस्तान का था, वहाँ नहीं उतारे, उसके नेक्स्ट एयरपोर्ट बॉम्बे था, वहाँ नहीं उतारे, फिर हैदराबाद को लाए और यहाँ के डायरेक्टर साहब भी आए थे एयरपोर्ट पे, हम रिसीव करे और बहुत अच्छा है। तो पैर की हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर के मरीज़ शुगर बहुत कंट्रोल करके रखना चाहिए, BP के मरीज़ BP कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता तो अच्छा अंदर बाहर सांस लेते रहना है, तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हो जाती है और पेशेंट बहुत अच्छे रह सकते हैं इंशाल्लाह। क्लीनलीनेस बहुत अच्छा, अपना कुरान खुद वही सिखाता है कि सफाई रखना ज़रूरी है और सांस लेते रहना अच्छा, इनसाइड आउट अंदर और बाहर इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करे तो लंग्स अच्छे रहते और शुगर कंट्रोल रहता। साहब, गिजा के ताल्लुक से भी कुछ बता दें तो मेहरबानी होगी। वीज़ा तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट दे दे रहे हैं और बहुत अच्छे काम को जा रहे हैं, जो जो ख्वाहिश करके जा रहे हैं इंशाल्लाह 100% मिल जाता है। मेरा पर्सनल बोलता हूँ वीज़ा, लास्ट टाइम मैं जब जाना चाहता लास्ट टाइम तक मेरे कुछ भरोसा नहीं था, अल्लाह की तरफ से आया वीज़ा और आप लोग कोशिश करें तो डेफिनेटली, और हमारे तरफ से जो भी चाहिए आप बिल्कुल वीज़ा के लिए इंतज़ाम कर सकेंगे आपको।